हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हर्षदा सावंत, परपट इलेक्ट्रॉनिक्स से MIDCY। हमने अभी तक करीबन 75 एजुकेशनल वीडियो बनाए। ये वीडियोस फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने यूट्यूब सर्च पर हमारा चैनल नेम परपट इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा लिखा और कौन सा भी वीडियो देखते समय हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर एक्सपेरिमेंट कैसे करना है मैं बताने वाली हूँ। समझने के लिए बहुत ही आसान है। यह वीडियो पूरा देखें, यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा अगला नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का डेमो देखते हैं। है ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम। अभी हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इनपुट में 12 वोल्ट DC अनरेगुलेटेड सप्लाई कनेक्ट करना है। यह है 5.1 जीनर डायोड। यह है रेजिस्टेंस 15 के। यह है कैपेसिटेंस C 470 माइक्रोफेरेड। और यह है NPN ट्रांजिस्टर SL100B। यह लोड करंट मेजर करने के लिए मिलीमीटर कनेक्ट किया है 0 to 100 mA। यह है वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस RL। और आउटपुट में हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया है 0 to 20 volt DC। यह हुआ कंस्ट्रक्शन। अभी हम इसका वर्किंग देखते हैं। इनपुट में हमने 12 वोल्ट DC अनरेगुलेटेड सप्लाई कनेक्ट किया है और लोड रेजिस्टेंस RL वेरी करके अलग अलग करंट एंड वोल्टेज मेजर करना है। और लोड करंट का ग्राफ प्लॉट करना है। यह है वेरिएशन बिटवीन लोड वोल्टेज एंड लोड करंट का ग्राफ। इसमें देखो फॉर पर्टिकुलर रेंज ऑफ द लोड करंट वोल्टेज रिमेंस कॉन्स्टेंट। और लोड करंट इंक्रीज किया तो लोड वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। तो फिर चलिए हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रैक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक। BE, डिप्लोमा, BSc, MSc झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDCY, मोबाईल 98 222 41 255। यह ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हमने इनपुट में 12 वोल्ट अनरेगुलेटेड सप्लाई एडाप्टर से लिया है। यह है रेजिस्टेंस। यह है जिनर डायोड 5.1 वोल्ट का। हमने NPN ट्रांजिस्टर SL100B। यह है कैपेसिटर C 470 माइक्रोफेरड। हमने मिलीमीटर कनेक्ट किया है। यह है वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस। हमने इसको पोटेंशियोमीटर कनेक्ट किया है। आउटपुट में हमने 0 to 20 volt डिजिटल वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। यह हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन। हम ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का वर्किंग देखते हैं। यह है लोड रेजिस्टेंस। हमने पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है। इसकी वैल्यू देखो है 1 kΩ 3 W। यह है 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 Ω 1 W और इसकी इफेक्टिव वैल्यू होगा 1/3 of 100 Ω मतलब 33 Ω। करंट लिमिट रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है, मतलब ट्रांजिस्टर सेफ रहेगा, डैमेज नहीं होगा। अब मैं पॉट को पूरा क्लॉकवाइज घुमाती हूँ तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू है 1 kΩ। टोटल रेजिस्टेंस हुआ 1033 Ω। देखो करंट है 4.8, वोल्टेज है 5.0। अब मैं नॉब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाती हूँ। देखो करंट है 5.8, वोल्टेज 5.0, कॉन्स्टेंट ही है। अभी देखो करंट है 7.5, वोल्टेज 5.0, कॉन्स्टेंट है।
अभी देखो करंट है 9.5 वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू 4.9 वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। अभी देखो करंट है 14 मिली एम्पियर, तो देखो वोल्टेज है 4.7 वोल्ट। अभी देखो करंट है 24 मिली एम्पियर, तो वोल्टेज आता है 4.3 वोल्ट। अभी देखो करंट है 32 मिली एम्पियर, तो वोल्टेज चेंज हुआ है 2.9 वोल्ट। अभी हुआ वर्किंग। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली की किमया ॲप परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ऑटो लेक्चर बेलची। एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा। शाळा कॉलेज साठी उपयुक्त संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर। फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशन साठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई, मोबाईल 98 222 41 255।